नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। पोलैंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने इस दौरान पोलैंड की कंपनियों को भारत में आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म करने की भी वकालत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता, शांति और स्थिरता की बहाली के लिए बातचीत और कूटनीति का ही भारत समर्थन करता है। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए मामले के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यहां शीर्ष न्यायालय ने सुनवाई के दौरान ममता सरकार पर कई सवाल उठाए। वहीं न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि उन्होंने ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के अनुभव में नहीं देखी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की एक दलील पर ममता सरकार की ओर से पेश सपा सांसद और वकील कपिल सिब्बल हंस पड़े। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसी की जान चली जाए और आप हंस रहे हैं, कम से कम हंसिए तो मत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने आज फारूक अब्दुल्ला के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस बैठक के बाद फारूक ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की सभी 90 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ेगी। किसानों के धरने की वजह से शंभू बॉर्डर के मार्ग नहीं खुलने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह किसानों की शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जल्द ही एक बहुसदस्यीय समिति का गठन करेगा। वही अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज आतंकियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जहां पुलिस टीम ने राजस्थान और UPSTF के सहयोग से अलग अलग जगहों पर अलकायदा के 14 आतंकी गिरफ्तार किए हैं। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से 6 आतंकी और झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दें। वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में आए बाढ़ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने बांग्लादेश में यह चिंता व्यक्त होते देखी है कि बांग्लादेश की पूर्वी सीमा पर स्थित जिले में बाढ़ की वर्तमान स्थिति त्रिपुरा के गोमती नदी के ऊपर डम्बोर बांध के द्वार खोलने के कारण उत्पन्न हुई है। यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। तमिल अभिनेता और टीवी के प्रमुख थलापति विजयन ने चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी के झंडे का अनावरण किया। इस दौरान विजय ने कहा कि मुझे पता है कि आप सभी हमारे पहले राज्य सम्मेलन का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए तैयारियां चल रही है और बहुत जल्द मैं इसकी घोषणा करूंगा। मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पूर्ण रूप से इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जहां अधिकारियों ने बताया कि विमान में 135 यात्री सवार थे। वहीं सभी यात्रियों को सुरक्षित फ्लाइट से बाहर निकाल लिया गया। भारत बंद को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी के साथ साथ सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान मायावती ने SC ST आरक्षण को निष्क्रिय बनाने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है, जहां दिग्गज नेता श्याम रजक ने राजद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने लालू यादव को एक इमोशनल लेटर भी लिखा है। दिल्ली मेट्रो और नमो भारत ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जहां अब एक ही स्टेशन से मेट्रो और नमो भारत का QR टिकट खरीदा जा सकेगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने एड्स पर राज्य परिषद की पहली बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि HIV पीड़ित को मुफ्त यात्रा और वित्तीय सहायता पर सरकार विचार कर रही है। साथ ही निर्देश दिया कि भेदभाव के मुद्दे को हल करने के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त करना सुनिश्चित करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अम्बाला की इस ऐतिहासिक धरती से 1857 की महान क्रांति की शुरुआत हुई थी। आज एक और लड़ाई की शुरुआत इस धरती से हुई है, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही पुराना हिसाब किताब लेकर घूम रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हरियाणा उनके हिसाब से चलेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्रॉस रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों से अधिकारियों द्वारा वसूली की खबर से मचा हड़कंप। अब DC जिसान ने दिए जाँच के आदेश।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर रायपुर के टिकरपारा सिद्धार्थ चौक के पास जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल बैरिकेड्स तोड़कर ईडी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश के एक थाने पर पत्थरबाजी करने को लेकर पूर्व सदर शहजाद हाजी पर एमपी पुलिस ने कार्रवाई की है। शहजाद हाजी ने कोतवाली का घेराव किया था। घेराव के दौरान पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी सहित कई अधिकारी घायल हुए थे। लद्दाख में हुआ बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौके पर गई जान, वहीं 22 लोग हैं घायल। यहां घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के बदलापुर मामले को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले पर पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इसे इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर भी पुलिस की आलोचना की। राजस्थान के बूंदी जिले में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो समुदाय के बीच झड़प हो गई। इस मामले में बालकिशन नरवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पथराव करने के आरोप में 7 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती है तो रात में सोने से पहले लेमन बाम का चाय पिए। इसे पीने से नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, जिसके कारण तनाव और एंजाइटी की समस्या से आराम मिलता है। साथ ही बॉडी रिलैक्स रहता है और आपको अच्छी नींद आती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कांस्टेबल फायर के 1130 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख 30 सितंबर तक आधिकारिक भर्ती पोर्टल cisfreet.cisf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिनभर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।